हमारी सुलगती हुई कलह को जो निपटाएगा, हमारे यहाँ हिंसा को रोकेगा। और इसीलिए आज तक न्यूज चैनल, जो कि देश का सबसे बड़ा अपने आप को न्यूज चैनल बताता है, उसने एक पोल के माध्यम से सर्वे किया था और 3 दिन के बाद जब राहुल गांधी लौट करके आए तो वही चैनल लिखता है जो चैनल नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की सुबह शाम तक चढ़ चुंबक बनकर के उनकी चाटुकारिता करता है। वो राहुल गांधी के लिए लिखता है कि राहुल गांधी 3 दिन वहां रहे, उनके आने के बाद में इतना फर्क है कि 3 दिनों तक कोई हिंसा नहीं हुई, वहां की स्थिति सामान्य है, वहां के लोगों को बहुत राहत मिली उनके शब्दों से, उनके बयानों से। और वहां से लौट करके जब राहुल गांधी आए, फिर से उस पटकथा को दोहराने का काम किया जा रहा है, फिर से मणिपुर को सुलगाने का काम किया जा रहा है, फिर से उस आग को भड़काने का काम किया जा रहा है। और इसीलिए हम लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि इस देश में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की तो है ही, लड़ाई पक्ष और विपक्ष की तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई इस देश में नेता और अभिनेता के बीच में है। नेता अपनी जनता के बीच, नेता मणिपुर में है, नेता राहत शिविर में अपने लोगों से मिल रहा है, नेता वहां के अपने घरों से विस्थापित हुए बच्चों से मिल रहा है, अभिनेता अमेरिका में टहल रहा है, अभिनेता मेट्रो में घूम रहा है, नेता वहां शांति स्थापित हो इस बात के लिए बयान दे रहा है, अभिनेता वहां आग भड़कती रहे इस बात के लिए मौन है। लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, आप देख लीजिए। तो अमित शाह तो गए ना वहाँ पे, गृह मंत्री से नहीं रुक पा रहा है, तो फिर राहुल जी से कैसे लोग मान रहे हैं? अरे पत्रकार महोदय, आपको मैं बता दूं कि जब गृह मंत्री अमित शाह वहाँ गए थे, 25 से 28 हजार का आंकड़ा था जो अपने घरों से विस्थापित हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद ये आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ा कि 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए, 120 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। किस बात के गृह मंत्री हो आप? अरे जब इस देश का तड़ी पार, जिसपे अंधाधुंध मुकदमे चल चुके हों, जो खुद अपने राज्य से तड़ी पार रहा हो, जो खुद अपने राज्य को नहीं संभाल पाया हो, क्या संभालेगा वो मणिपुर को? और एक बात और बता दूं आपको, जिस गृह मंत्री से, जिसने रक्षा की डोर अपने हाथों में थाम रखी है, वो यदि मणिपुर को नहीं संभाल पा रहा है, देश की मणि को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, वो देश की रक्षा क्या खाक कर? एक आवाज में कह रही है कि तुम खुद आना नहीं चाहते प्रधानमंत्री को, किसी को भेजना नहीं चाहते, मणिपुर में शांति स्थापित करने की पहल करना नहीं चाहते। अगर कोई आता भी है, शांति की बात करता भी है, तुम उसे रोकने का काम कर रहे हो। क्यों भाई? राहुल गांधी जिनकी तुमने सांसदी छीन ली, जिनका तुमने पद छीन लिया, लेकिन उनका कद नहीं छीन पाए, और उनका कद इतना बड़ा है कि राजनीतिक और संवैधानिक किसी पद पर न होते हुए भी जब वो मणिपुर के बीच गए तो मणिपुर की जनता को ये लगा कि अब कोई आया है हमारे बीच जो शांति दूत बनकर के आया है, हमारे झगड़े को जो निपटाएगा, हमारी सुलगती हुई कलह को जो निपटाएगा, हमारे यहाँ हिंसा को रोकेगा। और इसीलिए आज तक न्यूज चैनल, जो कि देश का सबसे बड़ा अपने आप को न्यूज चैनल बताता है, उसने एक पोल के माध्यम से सर्वे किया था और 3 दिन के बाद जब राहुल गांधी लौट करके आए तो वही चैनल लिखता है जो चैनल नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की सुबह शाम तक चढ़ चुंबक बनकर के उनकी चाटुकारिता करता है। वो राहुल गांधी के लिए लिखता है कि राहुल गांधी 3 दिन वहां रहे, उनके आने के बाद में इतना फर्क है कि 3 दिनों तक कोई हिंसा नहीं हुई, वहां की स्थिति सामान्य है, वहां के लोगों को बहुत राहत मिली उनके शब्दों से, उनके बयानों से। और वहां से लौट करके जब राहुल गांधी आए, फिर से उस पटकथा को दोहराने का काम किया जा रहा है, फिर से मणिपुर को सुलगाने का काम किया जा रहा है, फिर से उस आग को भड़काने का काम किया जा रहा है। और इसीलिए हम लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि इस देश में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की तो है ही, लड़ाई पक्ष और विपक्ष की तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई इस देश में नेता और अभिनेता के बीच में है। नेता अपनी जनता के बीच, नेता मणिपुर में है, नेता राहत शिविर में अपने लोगों से मिल रहा है, नेता वहां के अपने घरों से विस्थापित हुए बच्चों से मिल रहा है, अभिनेता अमेरिका में टहल रहा है, अभिनेता मेट्रो में घूम रहा है, नेता वहां शांति स्थापित हो इस बात के लिए बयान दे रहा है, अभिनेता वहां आग भड़कती रहे इस बात के लिए मौन है। लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, आप देख लीजिए। तो अमित शाह तो गए ना वहां पे, गृह मंत्री से नहीं रुक पा रहा है, तो फिर राहुल जी से कैसे लोग मान रहे हैं उनकी? अरे पत्रकार महोदय, आपको मैं बता दूं कि जब गृह मंत्री अमित शाह वहां गए थे, 25 से 28 हजार का आंकड़ा था जो अपने घरों से विस्थापित हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद ये आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ा कि 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए, 120 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। किस बात के गृह मंत्री हो आप?
अरे जब इस देश का तड़ी पार जिस पे अंधाधुंध मुकदमे चल चुके हों, जो खुद अपने राज्य से तड़ी पार रहा हो, जो खुद अपने राज्य को नहीं संभाल पाया हो, क्या संभालेगा वो मणिपुर को। और एक बात और बता दूं आपको, जिस गृह मंत्री से जिसने रक्षा की डोर अपने हाथों में थाम रखी है, वो यदि मणिपुर को नहीं संभाल पा रहा है, देश की मणि को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, वो देश की रक्षा क्या खाक कर पाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे थे जो आज तक देश ने पहचान नहीं पाए थे। एक चेहरा वो जो चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ प्रदेश में जाकर के लंबे लंबे भाषण देता है, जुमले देता है, झूठ पर झूठ बोलता है, और एक चेहरा वो जब प्रदेश को जरूरत है, मणिपुर को जरूरत है प्रधानमंत्री के शब्दों की, प्रधानमंत्री की सहानुभूति की, तब प्रधानमंत्री वो मौन है, प्रधानमंत्री चुप है, प्रधानमंत्री खामोश है। और इसीलिए मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नहीं है, और जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्री है। और यह बात बिल्कुल झूठ नहीं है, यह बात स्पष्ट और साफ दिखाई देती है। रही बात कि हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, हम वहाँ के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तमाम लोग ये कहना चाह रहे हैं काहे भाई इस्तीफा मांग रहे हो। आपको एक जानकारी बता देता हूँ, वहाँ के मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए हैं, वहाँ पर 32 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुमत की सरकार है, और वहाँ का मुख्यमंत्री मेतई समुदाय से आता है। मेतई समुदाय इम्फाल की घाटी में रहने वाला समुदाय है जिसकी 40 विधानसभा सीटें हैं, और मेतई समुदाय को एक जाति का विशेष दर्जा मिले इसी चीज़ को लेकर पहाड़ी पर रहने वाली जनजाति जिसको कुकी और नागा कहते हैं वो विरोध कर रही है, और जिस जाति के खिलाफ विरोध है, जिस जाति के खिलाफ हिंसा भड़की, क्या उस जाति के मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में जब जब कोई हिंसा हुई, जब जब कोई आगजनी हुई, जब जब कोई दंगे हुए, तो वहाँ के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति ने सबसे पहले इस्तीफा दिया, फिर शांति की पहल की, और फिर दोनों समुदायों के बीच एक वार्तालाप का चैनल स्थापित करके वहाँ की स्थिति को सामान्य किया। लेकिन वहाँ का मुख्यमंत्री ये कह रहा है मैं तो इस्तीफा देने गया था, मैं तो इस्तीफा फाड़ना चाहता था, लेकिन जनता ने इस्तीफा नहीं देने दिया। ये बात ठीक उसी तरीके से झूठ है जैसे इस देश के एक जुमलेबाज ने 15 लाख रुपए का जुमला दिया था। आप मुझे बता दो किसने मना किया था 15 लाख रुपए देने के लिए? तुमने मना किया था, देश की जनता ने मना किया था, अंजना ओमकश्यप ने मना किया था, गुल्लू देवगन ने मना किया था, चमन चोपड़ा ने मना किया था, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, किसने मना किया था? हमने, आपने, जनता ने, गुल्लू देवगन ने, चमन चोपड़ा ने, किसने मना किया था भाई? हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाओगे, किसने मना किया था? गोदी मीडिया ने मना किया था आपको, अंधभक्तों ने मना किया था आपको, गोबर पात्रा ने मना किया था आपको? नहीं भाई, अरे गजब का झूठ बोलते हो, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, और बन जाए तब तुम्हारी, बिगड़ जाए तो विपक्ष की, तो राहुल गांधी की, तो कांग्रेस की। अरे प्रधानमंत्री जी, तुम्हारा जो चेहरा था दोहरा चेहरा, गिरगिट की तरह जो तुम रंग बदलते हो, बहरूपियों की तरह जो तुम रंग बदलते हो, आज वो देश की जनता के सामने स्पष्ट और साफ दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए मणिपुर की जनता ही इस बात को कह रही है, जैसे कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया, हिमाचल प्रदेश की जनता ने जवाब दिया, आज मणिपुर की जनता कह रही है कि जिस तरीके से तुमने मणिपुर को जलने दिया, जिस तरीके से तुमने मणिपुर को सुलगने दिया, जिस तरह से तुमने 50,000 लोगों को घरों को छोड़ने पर मजबूर होने दिया, जिस तरीके से 120 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में जाने दिया, उसी प्रकार हम तुमको 2024 में सिर्फ इस सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, इस देश की सीमा से भी बेदखल करने का काम करेंगे। और इस बात को बत्ती बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, मेरी कान में डाल लेना आप अच्छी तरीके से। सर, धीरेन्द्र शास्त्री जो है से ये हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, भविष्यवाणी भी अच्छा खासा कर रहे हैं, तो देखिए एक लड़ाई और है इस देश में, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ हिंदुत्व है, और हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुत्व खतरे में है। हिंदू 140 करोड़ लोगों का समुदाय है, हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक समटा हुआ छोटा सा मुट्ठी भर का समूह है, जो अपनी सोच, जो अपनी विरासत, नफरत की विरासत को इस हिंदुस्तान की जड़ों में फैलाना चाहता है, हिंदुस्तान की जड़ों में नफरत फैला करके इस हिंदुस्तान को बांटना चाहता है। और एक तरफ हिंदू है जो भारत जोड़ो वाली सोच को पूरी तरीके से स्थापित करना चाहता है। लड़ाई दो तरीके की है, और
हिंदुत्व की सोच को लेकर के तमाम ऐसे बाबा जो लफंडर बनकर के घूम रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे वो ये यति नरसिम्हानंद हो, चाहे वो साक्षी हो, फलाने ढिमकाने तमाम ऐसे हैं जो इनके टूल किट गैंग का हिस्सा है। ये सब नफरत गैंग के टूल किट हैं, ये सब अमित मालवीय टूल किट के गैंग के सिपाही हैं। और ऐसे सिपाहियों को देश की जनता जवाब देने में सक्षम है, क्योंकि हिंदू एक बहुत बड़ा समुदाय है और हिंदुत्व तो जो नफरतियों का गैंग है वो मुट्ठी भर है, इन्हें हम खदेड़ने में बहुत। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।